टू माय चैनल फ्रेंड्स आई होप सो आप सब ठीक होंगे आज हम बनाएंगे कैबेज और कैरेट की मंचूरियन और नूडल्स जो बहुत ही इजी हैं तो चलिए फिर बनाते हैं नूडल्स एंड मंचूरियन ग्रेवी के साथ खाएंगे तो चलिए जो व्यूअर्स मेरा फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स साइन लैंग्वेज समझते हैं तो मैं उनको भी बता रही हूँ कि आज हम मंचूरियन बना रहे हैं और तो चलिए फिर बनाते हैं बहुत इजी रेसिपी है आज हम बनाएंगे वेज मंचूरियन और नूडल्स पत्ता गोभी और गाजर को अच्छे से धोकर हमने ग्रेट करना है और ये ध्यान रखिएगा कि जब हम इनको ग्रेट करते हैं तो इसमें पानी बहुत हो जाता है तो बाद में हमको पानी निचोड़ना भी है इसका निकालना है फ्रेंड्स मंचूरियन बॉल्स बनाने के लिए हमको इसके अंदर मैदा डालना है लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि ये काफ़ी पानी छोड़ती है तो मैदा बहुत ज़्यादा ना डल जाए इसीलिए इसका एक्सेस वाटर आपको जरूर निकालना है दूसरा हमको इसमें डालना है कॉर्नफ्लोर ये स्टार्च होता है कॉर्न का वो है वो डालना है ये भी आपको दो चम्मच के बराबर डालना है इससे हमारी बहुत अच्छे से बाइंडिंग हो जाएगी सॉल्ट डालना है आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग दूसरा आपको डालना है ब्लैक पेपर पाउडर अब आप डालेंगे हाफ स्पून जिंजर पेस्ट और एक स्पून आप डालेंगे गार्लिक पेस्ट एक चम्मच आप ऑर्गेनो डाल दीजिए ये एक मिक्स हर्ब है मार्केट में आपको मिल जाएगा अब सबको एक साथ अच्छे से मिलाएंगे आप अब आप हरा धनिया और हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के वो भी डाल दीजिए हमने ऑलरेडी कढ़ाई रख दी है जिसमें तेल गर्म हो रहा है फ्रेंड्स हमको अभी बिना देरी करे हुए बॉल्स बनानी हैं और ये ये सब चीज़ें हमको बहुत जल्दी करनी है क्योंकि ये वेजिटेबल्स पानी छोड़ देते हैं और आप अपने हिसाब से बॉल बना लीजिए छोटी बड़ी जैसे भी आपको पसंद है वो बना लेंगे तेल भी गर्म हो गया है और हमारी ये बॉल्स भी बनकर तैयार हो गई हैं अब हम वन बाय वन इन बॉल्स को डालेंगे बहुत ज्यादा बॉल्स एक साथ मत डालिएगा अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं इन बॉल्स को बनाने के वक्त ध्यान रखना है कि हमको लो टू मीडियम फ़्लेम तक ही अपना फ्लेम रखना है जिससे अंदर तक पक जाए फ्रेंड्स देखिए इस तरह से हो जाएंगी तो आपको इस स्टेज में आकर अपनी बॉल्स को निकालना है ये हमारी जो कैबेज बॉल्स हैं ये बन चुकी हैं आप इसको ऐसे भी खा सकते हैं अगर आप कभी कुछ और बना रहे हैं तो इसको भी आप अपने स्नैक्स में डाल सकते हैं सिर्फ यही बनाकर इसी तरह दूसरा भी बनाइएगा एक पैन लिया है इसमें चार गिलास हमने पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है जैसे ही पानी में बॉईल आया तो हमने इसी पैकेट की हाफ नूडल्स निकाल के इनको बॉईल करने के लिए रख देंगे आधा चम्मच नमक डालेंगे आपके घर में जो भी ऑयल है रिफ़ाइन ऑयल वो आप डाल देंगे इस कारण आपकी जो नूडल्स है वो स्टिकी नहीं बनेगी आपस में चिपकेगी नहीं और इसमें हम डाल रहे हैं इसमें ऑलिव ऑयल जब तक हमारी नूडल्स बॉयल होती है तो हम ग्रेवी तैयार कर लेते हैं फ्रेंड्स तो हमने ये पैन लिया है इसमें हम ऑलिव ऑयल डाल देंगे दो चम्मच के बराबर फ्रेंड्स मंचूरियन बना रहे हैं तो मंचूरियन में हमको गार्लिक ज़्यादा यूज़ करना है ये बड़े वाले छः से आठ हैं जिनको हमने फ्राई किया और बरीक काटा हुआ है अब हम प्याज़ डालेंगे प्याज़ हमने एक स्मॉल साइज़ का लिया है और ये दो मिर्च है ये हरी मिर्च है ज़्यादा तीखी नहीं है तो वो भी हम डालेंगे ये सब हमने हमें हाई फ्लेम में बनाना है दो बड़े चम्मच अब हम टमाटो केचप डालेंगे कोई भी ब्रांड का आपको लेना है इन सबको अच्छे से फ्राई करना है अब आप दो चम्मच विनेगर डाल दीजिए जो ये विनेगर है ये आप आ, कोई भी फ्लेवर का लेंगे हमने एप्पल विनेगर लिया है दो स्पून आप इसमें सोया सॉस डाल दीजिए हाफ बाउल हमने फ्रोजन कॉर्नस डाले हैं ओनियन डालेंगे ये ओनियन हमने क्यूबिक्स में काटे हैं साथ में टमाटर भी डालेंगे इनको जस्ट हमको हाई फ्लेम में फ्राई करना है अगर आपके पास और दूसरे वेजिटेबल जैसे हरा प्याज या कैप्सिकम हो तो आप वो भी काट के डाल सकते हैं वो बहुत अच्छी लगती है इसमें अब हम एक स्मॉल साइज़ का चॉप्ड कैरेट डाल देंगे यानी कि गाजर डाल दीजिए हमारे पास जो अभी अवेलेबल था हमने उसी से ये बनाया है ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे स्वाद के अनुसार सॉल्ट डालेंगे स्वाद के अनुसार एक चम्मच आप ऑर्गेनो डालेंगे ये मिक्स हर्ब होते हैं इन सभी को आपको हाई फ्लेम में बनाना है अब आप इसमें सिनामन पाउडर डाल देंगे आधा चम्मच के बराबर दो चम्मच आप कॉर्न फ्लोर ले लेंगे यानी कि स्टार्च को और उसको पानी में घोलेंगे कोई भी लंप ना बचे इस तरह से घोलना है और इस ग्रेवी में डाल देंगे इससे हमारी ग्रेवी थिक हो जाएगी और अच्छी सी शाइनिंग भी आएगी हमारी ग्रेवी में फ्रेंड हमको ये ध्यान रखना है जब हम सब्जी बनाएंगे ग्रेवी वाली तो हमारी सब्ज़ी पकनी नहीं चाहिए इसीलिए हमको हाई फ्लेम में ही बनाना है सारा कुछ बस हमको एक बॉयल का वेट करना है और ये काफ़ी थिक ग्रेवी बन जाएगी तो हम दूसरी तरफ अपने नूडल्स बनाते हैं तो चलिए नूडल्स बनाते हैं फ्रेंड्स जिसमें हमने मंचूरियन तले थे तो उसी पैन को हमने यूज़ करना है तो हम इसके अंदर प्याज डालेंगे क्योंकि अब हम नूडल्स बनाने जा रहे हैं मीडियम साइज़ हमने ओनियन लिया है उसको काट के डाल देंगे जब हमने अपनी नूडल्स बना के तैयार की थी आखिरी में तो ये बहुत ही यमी बनी थी आप इसको भी अलग से भी बना सकते हैं अगर आपके पास मंचूरियन ना बनाएं तो आप ये नूडल्स भी इस तरह से बना सकते हैं बहुत ही यमी बनी थी अब आप दो बाउल कैबिज डाल दीजिए कैबिज बनने में बनने के बाद बहुत कम हो जाती है इसलिए हमने दो बाउल डाली है आपके पास अवेलेबल हो तो आप डाल दीजिए अदरवाइज़ इसको स्किप भी कर सकते हैं फ्रेंड्स हमने फ्रोजन वेजिटेबल्स uh, डाले हैं जिसके अंदर बीन्स ग्रीन पीस कैरेट कॉर्नस होते हैं आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल दीजिएगा फ्राई करेंगे सबको एक साथ छोटा सा गाजर डालेंगे काट कर नमक डालेंगे अपने स्वाद के अनुसार स्वाद के अनुसार आप ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे दो चम्मच आप सोया सॉस डाल दीजिएगा एक सैशे आप मैगी मसाला डाल देंगे इन सबको एक साथ फ्राई करना है अब हम अपनी बॉयल नूडल्स हैं उनको डाल देंगे हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम में बनाना है फ्रेंड्स हमारी ये मंचूरियन वेजिटेबल मंचूरियन रेडी है रेडी टू ईट देखिए और really ये बहुत ही यम्मी बनी थी फ्रेंड्स ये बेटर रहता है कि जब हम मंचूरियन बॉल्स है वो ग्रेवी के साथ ना मिलाएं अदरवाइज़ वो कई बार मैसी हो जाती है घुल जाती है तो हम मोस्टली इसको सेपरेट ही रखते हैं ग्रेवी के साथ जब हम खाते हैं तो इन बॉल्स को डाल रखते हैं और साथ में ऊपर से ग्रेवी डाल देते हैं आप भी इसी तरह करेंगे तो आपकी बॉल्स मैसी नहीं होगी उसके साथ घुटेगी नहीं ये बहुत ही टेस्टी और यमी बना था इवन जो इसकी नूडल्स से हैं सेपरेट खाने में वो भी बहुत टेस्टी लग रहे थे उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट एंड शेयर जरूर करिए फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ टिल देन बाय सी यू